पंजाब के फरीदकोट में हुई डेरा सच्चा सौदा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों में से 3 को पकड़ लिया है। इसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए 2 आरोपी हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं, जबकि 1 भिवानी का है। आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के बक्शीवाला से गिरफ्तार किया है। इन शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल के सभी अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। स्पेशल सेल ये पता लगाने में जुटी है कि डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या की साजिश में कौन कौन शामिल है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड ने उनको हायर किया था या उनको कितने पैसे दिए थे। इसके अलावा कहां से हथियार आए और कब से ये प्लानिंग हो रही थी, ये तमाम बातों को जानने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वेले असी मौजूद हाँ बख्शीवाल के नज़दीक पैंदे पिंड दौकाड़ दे विच, जिथे कि दसे जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इनकाउंटर इंटैलीजेंसी जिहड़ी पुलिस हैगी है उन्होंने वालों इत्थे 3 गैंगस्टरां नूं जिहड़ा डेरा प्रेमी का कतल करन वाले उन्होंने गिरफ़्तार किया गया। लेकिन इत्थे दी जिहड़ी तस्वीर है तुसीं देख रहे हो कि पटियाला दे दौकाड़ पिंड दे जिहड़े लोग ने उह पूरे उरे मौजूद हैं। पटियाला पुलिस दे अधिकारी भी इत्थे पहुंचे हुए हैं। दूजे पासे जिहड़े है तस्वीरां पिंड वासी जिहड़े उरे मौजूद ने, ते इत्थे दी तस्वीरां कुछ होर ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि पिंड वासियां दा भी कहना है कि इत्थे असी ना तो दिल्ली पुलिस देखी है ना दूजी पुलिस देखी है। लेकिन जिथे एक माहौल हुण पटियाला पुलिस दे वल्लों तुसी देख रहे हो कि इत्थे पिंड दे विच जिहड़ी आ गली है, एक गली दे विच कल्ले कल्ले घर दे विच जा के जिहड़ा पटियाला पुलिस है वह पूछताछ कर रही है। किते ना किते जिहड़ा पिंड है, पिंड दे विच गैंगस्टर जिहड़े डेरा प्रेमी नूं मारन वाले उन्होंने लुके होण दी या दिल्ली इनकाउंटर इंटैलीजेंसी पुलिस वालों उन्होंने गिरफ़्तार करन दी गल जिहड़ी आखी जा रही सी उन्हूं लेके पिंड वासियों का कहना है इदां दा कुछ नहीं है, साडे पिंड दे विच ना तो गैंगस्टर लुके ना दिल्ली पुलिस आई। तां दूजे पासे हुण पटियाला पुलिस दे वल्लों पिंड दे विच जा के जिहड़ा है पुछताछ जिहड़े कल्ले कल्ले घर चों कीती जा रही है। तो इत्थे देखना है, तुसी देख रहे हो तस्वीरां कि मीडिया का जमावड़ा भी इत्थे देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर तस्वीरां जिहड़े पिंड वासियां दी गल आखी है तो पिंड दे विच जिहड़ा माहौल है वह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इत्थे जिहड़ी गल आखी जा रही सी कि दौकाड़ पिंड दे विच जिहड़े है डेरा प्रेमी नूं मारन वाले गैंगस्टर लुके सीगे, ते दिल्ली इनकाउंटर इंटैलीजेंसी पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं गिरफ़्तार किया गया। देखना होगा अगे की कुछ जांच दे विच निकल के आंदा, लेकिन हाले तक पिंड वासियां दा इह कहना है ना तो पुलिस आई तो ना ही इतों किसी गिरफ़्तार किया गया। पटियाला पुलिस के वालों जरूर हूँ घर के जो सच ऑपरेशन है वो जारी है। पटियाला तो कैमरामैन लव के नाल अविनाश कंबोज, ANB न्यूज़ लिए। ज्यादा जानकारी के लिए पटियाला से संवाददाता अविनाश कंबोज हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, फिलहाल जिस तरीके से डेरा प्रेमी की हत्या के बाद से अब पुलिस ने इसमें सफलता हासिल करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, पटियाला के नजदीक पड़ते दौकाड़ गाँव जो की भारत के नजदीक पड़ता है, दौकाड़ गाँव की जहाँ ये पूरी जो मामला है रात करीब 3 बजे की जो ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो इनकाउंटर इंटेलिजेंसी सेल है जो वो है वो रात को यहाँ पर आया और 3 जो डेरा प्रेमी की हत्या करने वाले 3 गैंगस्टर हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। जिसको लेकर सुबह होते होते तक जब पटियाला पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो जिस घर में जो बताया जा रहा है वो गैंगस्टर छुपे हुए थे, उस घर के युवक जो लड़का है उसे भी पटियाला पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कई गाँव वासियों का यहाँ पर कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन जो गाँव में जो गली है जो घर है उसके नजदीक घर वाला ये कह रहा है कि रात को गाड़ियों की आवाजें आई हैं, जोर जोर से आवाजें आई हैं और यहाँ पर कहा गया कि इसको जल्दी से उठा लो। तो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि इस गांव के अंदर वो तीनों जो गैंगस्टर हैं वो कैसे छुपे और क्यों छुपे, तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। आज पटियाला पुलिस जो आई है पूछताछ कर रही है, लेकिन रात को जो देर रात 3 बजे की बात है कि गाड़ियों की आवाजें जरूर आई हैं, दिल्ली पुलिस की या कौन था, क्योंकि गाँव वासी बाहर नहीं निकले उस समय, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 3 गैंगस्टर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और पटियाला पुलिस के द्वारा दौकाड़ गांव में जिस यहां पर ये लोग ठहरे थे वहां पर भी जो नौजवान है जिसके संपर्क में ये लोग थे उसको भी हिरासत में लिया गया है। तो देखना होगा कि पटियाला पुलिस के द्वारा जो है किस प्रकार की जांच होती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली इनकाउंटर इंटेलिजेंसी सेल के द्वारा तीनों गैंगस्टर जो डेरा प्रेमी की हत्या करने वाले हैं वो यहाँ दौकाड़ गांव में आकर छुपे थे, जो कि साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उन तीनों के साथ यहाँ के एक नौजवान को भी पुलिस ने उठाया है। जी अविनाश, फिलहाल जिस तरीके से पूछताछ आरोपियों से चल रही है उस पूछताछ में क्या कुछ खास अभी कोई खुलासा क्या हो पाया, और जिस तरीके से गांव के सरपंच का भी बयान सामने आया है उन्होंने भी तमाम इस तरीके की बातें कही है कि रात में पुलिस आई ही नहीं थी यहाँ पर?
देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि गांव के जो सरपंच है और नंबरदार है उनका कहना है कि यहां पर रात को कोई पुलिस वाला नहीं आया है, दिल्ली पुलिस नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव के अंदर जिस घर के साथ घर लगता है उसका कहना है रात को यहाँ पर गाड़ियां जरूर आई हैं, धड़ धड़ की आवाजें आए और यहाँ पर ये कहते हुए सुना है कि इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी उठा लो। तो कहीं ना कहीं जो बयान है आपस में गांव वासियों के मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। पटियाला पुलिस को जब ये सूचना मिली है कि यहाँ पर गैंगस्टर छुपे थे उन्हें दिल्ली पुलिस ले गई, तो पटियाला पुलिस जिनकी भूमिका बहुत अहम है यहाँ पर आकर जो सर्च जारी की है और गांव वासी से पूछना शुरू कर दी है। लेकिन पटियाला पुलिस ने भी चुप्पी साधी हुई है कि यहाँ पर वाकई दिल्ली पुलिस आई थी, उठाकर लेके गई है कि नहीं। जो अब तक जानकारी यहाँ गांव वासियों से मिल रही है वो मिली जुली है, कईयों का कहना है गाड़ियां आई थी, भगदड़ मची थी, यहाँ पर किसी को उठाकर लेकर गए हैं। लेकिन साफ तौर पर ये एक सवाल बहुत बड़ा उठता नजर आ रहा है कि यहाँ पर कितने लोगों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेके गई है, क्योंकि जब अब तक ये जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है कि तीन गैंगस्टर थे जिसके एक पैर में गोली बजी हुई थी और एक जिसने पनाह दी थी उसे भी दिल्ली पुलिस, जो इनकाउंटर इंटेलिजेंसी पुलिस है दिल्ली की, वो सेल इन्हें उठाकर ले गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि पटियाला पुलिस जो सर्च ऑपरेशन गाँव में कर रही है वो जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। गांव वालों के इस तरीके के बयान काफी गंभीर स्थिति बना देते हैं इन तमाम चीजों के लिए, और बयान उनके मिलते भी नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो पटियाला पुलिस है वो गांव वासियों के जो सरपंच है नंबरदारों को पहले साइट पर ले जाकर पूछताछ करती है, क्या कुछ उन्हें कहती है, उसके बाद एक बयान जो जारी होता है सरपंच और नंबरदार का, उनका ये बयान बहुत ही अहम है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस घर से युवकों को उठाया गया, गैंगस्टरों को उठाया गया है, दिल्ली पुलिस लेकर गई है, उसके साथ के घर वाला कहता रात को गाड़ियां आई है, भगदड़ मची है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है कि दोनों गांव वासियों के बयान आपस में मैच नहीं करते नजर आ रहे, और सवाल खड़ा होता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वाकई दिल्ली पुलिस यहां से किसी गैंगस्टर को उठाकर लेकर गई है नहीं, ये तो एक जांच है और जांच में जो प्रेस वार्ता पुलिस के द्वारा की जाएगी उसमें बड़े खुलासे होने की शंका है। जी ठीक है अविनाश, लेकिन अभी तक खुलासे क्या कुछ हो पाए हैं, तमाम जो पूछताछ उनसे हो रही है अभी तक कोई ऐसा खुलासा हो पाया? देखिए गांव में जहां पर हम मौजूद हैं वो उस गांव का नाम दोकाट है और भारसो रोड पर ये गांव मौजूद है, जहां पर कहा जा रहा है कि रात को गैंगस्टर यहां पर आकर छुपे थे और उन्हें दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। लेकिन गांव जिस घर में वो रहे थे उनके भी तीन बेटे हैं, तीनों युवक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, जो बताया जा रहा है कि एक को पटियाला पुलिस अपनी कस्टडी में पूछताछ के लिए ले गई है। लेकिन जो दो लड़के और हैं वो कहाँ गए, क्या वो उन्हें दिल्ली पुलिस लेगी या कहीं इधर उधर है? लेकिन बहुत बड़े सवाल अभी देखना होगा उन सवालों पे कब पर्दा हटेगा, क्योंकि बहुत बड़े सवाल है कि दोनों युवक और जो उन बच्चों का पिता है वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ माँ है उनका, वो माँ कह रही है मंदिर गए हुए हैं, कोई लड़का वो बता रही है कंपेन पे गया है, तीसरा लड़का जो है कहीं और गया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा पर्दा डाला जा रहा है उसका जो खुलासा है या तो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो प्रेस वार्ता करके देगी या दूसरी तरफ पटियाला पुलिस जिसे अपनी कस्टडी में ले गई है क्या पूछताछ में निकल कर आता है वो भी देखना होगा। जी ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक।